नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नेपाल में दिखी राम रहीम की करीबी हनीप्रीत, पुलिस को चकमा देकर हुई फरार। दुनिया के 85 करोड़ 30 लाख लोग मर रहे हैं भूखे, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा। म्यांमार में रोहिंग्या मामले पर सू की ने तोड़ी चुप्पी, कहा राष्ट्र हिस्से समझौता नहीं करेंगे, चीन ने किया कार्रवाई का समर्थन। अमेरिका में H-1B वर्क वीजा की त्वरित प्रक्रिया का काम फिर शुरू, भारत के IT पेशेवरों के बीच बहुत लोकप्रिय है यह वीजा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा दिवाली तक कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय रामपाल के आश्रम में 2 अनुयायियों की मौत। वसूली रैकेट चलाने के आरोप में माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया, अदालत ने 8 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। उत्तर प्रदेश में फिर रेल हादसा, सीतापुर में पटरी से उतरा इंजन। कोलकाता बंडे पर बारिश का साया, आयोजकों की चिंता बढ़ी। श्रीलंकाई नौसेना ने 8 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, 2 नौका जब्त। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने कहा करिश्माई विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज। अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा अफगानिस्तान में 3,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक भेजने की योजना। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।